ये जो बाइबल है, बोलो क्या है, ये जो बाइबल है तो इसमें बहुत से लोगों के नाम लिखे हुए, और जिनके भी नाम इसमें लिखे हुए उनके नाम सबके स्वर्ग में लिखे हुए हैं। अगर इसमें उनके नाम लिखे हुए हैं तो उनके स्वर्ग में नाम लिखे गए, पर आपका और मेरा इस पुस्तक में नाम नहीं है। मैंने कहा आपका और मेरा इस पुस्तक में नाम नहीं है, पर सेम ऐसी बाइबल, सेम ऐसी पुस्तक स्वर्ग में मेरी और आपके नाम की लिखी जा रही है। क्या है? लिखी जा रही है, लिखी जा रही है। कितने विश्वास करते हैं कि लिखी जा रही है? इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं मसीह में वो सब स्वर्ग में नोट होता है। बोलो क्या है? वो सब स्वर्ग में नोट हो रहा है। तुम कितने दिन आए? बोलो क्या है? तुम कितने दिन आए? तुमने क्या क्या परमेश्वर के लिए किया? कितने क्या क्या सेवा की? सब स्वर्ग में नोट होता है। जितने बच्चे यहाँ पे रहते हैं, ये टेंट बांधने की सेवा करते हैं, आपके बैठने की व्यवस्था करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना आपके बैठने की व्यवस्था? आप तो टाइम से आते हो, आप तो आप आकर 8 बजे बैठ जाते हो, 9 बजे। बोलो क्या है? आप तो 9 बजे आकर बैठ जाते हो यहाँ पे। क्यों जी? 9 बजे आते हो ना आप, तो 9 बजे आकर बैठ जाते हो। तो ये तो कल रात को ही, शाम को ही, रात को ही सारा ये सिस्टम तैयार करते हैं, और सुबह 8 बजे से पहले ये सारा साउंड स्पीकर सब तैयार कर देते हैं। आप तो आराम से घर से आते हो, ये देर रात तक लगे रहते हैं, फिर सुबह जल्दी उठते हैं, पर ये जो कुछ भी कर रहे हैं इनका कहाँ पे लिखा जा रहा है? कहाँ पे लिखा जा रहा है? अगर तुम खुदा की हजूरी में टाइम से आके आदर उसका कर रहे हो तो सब कुछ नोट हो रहा है। बोलो क्या है? सब कुछ नोट हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो लिखा नहीं जा रहा। इसलिए वचन में लिखा, कुछ ऐसा नहीं है जो ढका है, जो छिपा है, जो खोला ना जाए, ऐसी कोई भी चीज नहीं। इसलिए जो लोग आत्मिक हैं इस बात की समझ रखते हैं कि सच में मेरा स्वर्ग में लिखा जा रहा है, तो वो और भी दिल से करते हैं, वो और भी, हाँ, वो और सुबह 4 बजे उठकर क्या हो जाते हैं। कुछ लोग जो अधूर जो मिनिस्ट्रियों में जाते हैं ना लोग, बोलो क्या जाते हैं, वो 2-2 बजे रात को उठते हैं, 2-2 बजे रात को उठना है, तैयारी करनी है, 3:30-4 बजे निकलना है, वहां पे 9 बजे तक पहुंचना है, आगे बैठना है। क्या बैठना है? आगे बैठना है, आगे बैठना है। तो कईयों का ऐसे मन होता है आगे बैठना है, क्या बैठना है? आगे बैठना आकर। तो बड़े दिल से वो क्या करते हैं, और उनके दिल को, उनके मन को कौन देखता है? कौन देखता है उनके दिल को, मन को? मैंने कहा कौन देखता है? आपके मन को, आपके दिल को कौन देखता है? आप किस तैयारी से, किस विश्वास से आज आए हो, किसको बताएं? और जितने लोग भी आए हैं, मैं विश्वास करता हूं, मैं इस बात की भविष्यवाणी करता हूं कि खुदावंद, जितने लोग भी ऐसे खुदा से प्यार कर रहे हैं, वो आने वाले दिनों में बड़ी पदवियों पर जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा बड़ी पदवियों पर जाएंगे, खुदावंद उन्हें नीचा नहीं रहने देगा, बहुत आगे लेकर जाएगा। आमीन, हालेलुया।